एवरीवन, दिस इज द जिम इन टू सुष्मिता त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ऑलिव बोल्ट। स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में। ओके, सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ बोल्ट। हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था बोल्ट, बट वो कंप्लीट नहीं हुआ था। कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो अपन लोग अभी करने वाले हैं। ओके, सो दिस संडे वी हैव डिस्कस्ड बोल्ट जो आपकी जनवरी मंथ की थी। अब आज हम लोग जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन थे, अप्रोक्स 50 थे जो कि रिमेनिंग थे, है ना, उसे आज अपन लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू किया जाए सेशन को। एवरीथिंग फाइन, सब कुछ ठीक है, सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा, एवरीथिंग ओके है ना। शैल वी स्टार्टेड? अगर सब कुछ ठीक है तो एक बारी मुझे बता दो थम्स अप करके, जिससे मुझे आइडिया हो जाता है कि हाँ एवरीथिंग इज ओके विद यू। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था कि अभी जो है कितने रेलवे हॉस्पिटल्स को इंटीग्रेट किया गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ। ये क्वेश्चन था लास्ट जो हमने लास्ट अपने सेशन में डिस्कस किया था। अब आज हम लोग इसी के आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, एनीवे, सो इफ एवरीथिंग इज ओके प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड लेट मी नो एवरीथिंग इज फाइन। ओके, ओके ओके, एंड डू शेयर इट वंस। ठीक है, एक बार शेयर कर दो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले तो पता नहीं है, और पता भी है तो अब ये थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइम है उनके लिए, बिकॉज बोर्ड तो संडे को होता है, तो आज क्या हो गया सब, है ना। चलो ओके, सो स्टार्टिंग द सेशन नाउ। ओके, द क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली टेस्ट फायर न्यू हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल। ठीक है, कौन सी कंट्री ने जो है हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल की टेस्टिंग करी थी? थाईलैंड, रशिया, फ्रांस और ईरान, एनी वन? गुड इवनिंग, ओके, सो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आपसे पूछा जा रहा है हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल के बारे में कि इसकी टेस्टिंग किसने करी थी। आई एम गेटिंग वन आंसर फ्रॉम ममता, शी इज आंसरिंग बी, दैट इज रशिया। ओके, आशु, सदानंद, दीज पीपल आर आंसरिंग, बट देयर इज वेरिएशन। द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी, देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का फेर हो गया। ठीक है, ये रशिया होगा, यहाँ पे देखो आप लोग जो है इसका आपका रशिया होगा। रशिया ने टेस्ट फायर किया था नया हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल, और ये इन्होंने फ्रिगेट सबमरीन से किया था। जो प्रोजेक्टेड 22350 एडमायरल गोर्कशोव, ये सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था। रशिया ने कंफर्म किया है कि इनकी मिलिट्री सक्सेसफुली फायर कर चुके हैं इस ज़िरकॉन मिसाइल को, और साथ ही साथ में इन्होंने तमाम और भी टेस्ट किए थे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अगर आप लोग अभी ध्यान दो तो रशिया और यूक्रेन में बहुत टेंशन चल रहा है। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है, अभी तो खैर थोड़ा सा ईज हो रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा था कि वार के चांसेस हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। इंडिया भी जितने भी उनके रेसिडेंट्स हैं यूक्रेन में रह रहे हैं जो टेम्पररीली, उन्हें कह रही है कि आप वापस आ जाओ कुछ दिन के लिए इंडिया, फिर वापस चले जाना, है ना। तो अभी ये हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा जरूरी हो जाएगा हमारे लिए जानना कि रशिया और यूक्रेन में क्या चल रहा है, क्या इन्होंने रिलेटिवली किया है। अभी रशिया तो बहुत सारे ट्रूप्स को भी भेज दी थी, और इस समय में काफी उन्होंने मिसाइल की भी टेस्टिंग करी थी, इसलिए आपको ये पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। विच मिनिस्ट्री हैज ओपेंड अर्बन जियो स्पेशल डेटा स्टोरेज चैलेंज? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, अर्बन, डिफेंस, एग्रीकल्चर और एजुकेशन, व्हाट इज द आंसर? नहीं बताओगे, देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन से मिनिस्ट्री ने ओपन किया है अर्बन जियो स्पेशल डेटा स्टोरेज चैलेंज 2022 को, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में आपके सामने है हाउसिंग, अर्बन, डिफेंस, एग्रीकल्चर और एजुकेशन, इसका आंसर क्या होगा? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने अनाउंस किया था कि ये ओपन कर रहे हैं अर्बन जियो स्पेशल डेटा स्टोरेज चैलेंज, जिससे कि वो अडॉप्शन को फॉस्टर कर सकें, स्ट्रॉन्ग कर सकें जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज की, साथ ही साथ में भारत में इनोवेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके अर्बन इकोसिस्टम के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैलेंज को डिजाइन किया गया है ताकि प्रमोट किया जा सके जियो स्पेशल पॉलिसी, और इंडिया को एक जियो स्पेशल एनेबल्ड नेशन बनाया जा सके। एनीवे, सो आपको क्या याद रखना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने क्या किया है, अभी अभी ओपन किया था अर्बन जियो स्पेशल डेटा स्टोरेज चैलेंज 2022। अगला देखो, इंडिया ने जॉइंटली पार्टनरशिप की है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि वो अप्रूव कर सके डिजिटल वर्क प्लान? ब्रिक्स, आशियान, एशियान, रशिया, व्हाट इज द आंसर? ओके, हाँ भी थोड़ा सा शेयर वेयर कर दो, बिकॉज तुम लोगों की स्ट्रेंथ बहुत लो है, और फिर तुम लोग बोलते हो कि आपने कंप्लीट क्यों नहीं किया, तो जस्ट इमेजिन यू पीपल कि 8-10 बच्चों में जो है
कौन पढ़ाना प्रेफर करेगा, समझ रहा ना? 10 फ्रेंड्स इज लाइक 8 और 10 पीपल. अब इसमें क्यों ही कोई पढ़ाना प्रेफर करेगा जब इस तरीके से है ना. सो ट्राई शेयरिंग इट, बिकॉज इस स्ट्रेंथ में क्लास कंटिन्यू करना इज क्वाइट टफ. ओके सो शेयर इट एनीवे. चलो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइंटली पार्टनरशिप की है भारत के साथ में जिससे वो डिजिटल वर्क प्लान 2022 कंप्लीट कर सके. ओके तो देखो, इंडिया जो है ये आशियान डिजिटल वर्क प्लान पे वर्क करने को कहा है और यही अप्रूव किया गया था अभी सेकेंड आशियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग के अंदर. इंडिया और आशियान ज्वाइंटली अप्रूव करेंगे वर्क प्लान जिसके अंदर ये लोग डेवलप करने वाले हैं सिस्टम जिसके थ्रू इस स्टोलन और काउंटरफीट मोबाइल हैंडसेट पे वर्क किया जा सके, कैसे इसको कम किया जा सके. ठीक है, इस मीटिंग को प्रिसाइड और को चेयरमैनशिप की गई थी इंडिया और म्यांमार के द्वारा. ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना. आशियान क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. इसमें 10 नेशंस होते हैं बट इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस. ठीक है, फिर देखो अगला. नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस टू बी हेल्ड इन वेयर? झारखंड, हैदराबाद, चेन्नई, नन. ओके, क्या आपसे पूछा जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस? नाउ द आंसर विल बी व्हाट? देखो, जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ पब्लिक ग्रीवांस और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज मीटी, इन लोगों ने साथ में कहा है कि ये अब एसोसिएट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और ऑर्गेनाइज करेंगे 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस इन हैदराबाद. जो इसका थीम होगा वो क्या होगा? इंडिया स्टेके डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड. ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके चलो, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज सेलिब्रेटेड? ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कौन से दिन सेलिब्रेट होता है? जनवरी 24, 25, 26 या 30? ओके नाउ अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब सेलिब्रेट होता है. एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके बर्थ एनिवर्सरी पर होता है? कोई ऐसा है क्या जिसकी बर्थ एनिवर्सरी हम कॉमेमोरेट कर रहे हैं इसमें? सो नाउ सी, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2022 ये सेलिब्रेट हुआ है जनवरी 24 को, हर साल इसी दिन होता है. ठीक है, इट इज मार्क्ड विद वेरियस इवेंट्स टू डिस्कस एंड अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एजुकेशन. ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने इनिशिएट किया था कॉमेमोरेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन यूएन जनरल असेंबली में December 3, 2018 को. ओके अगेन आई विल से दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. द आंसर विल बी व्हाट? January 24. January 25 क्या होता है बच्चों? January 25 होता है आपका नेशनल वोटर्स डे. अपार्ट फ्रॉम दिस, January 25 आप लोगों का नेशनल टूरिज्म डे भी होता है. ओके 26 तो हम सभी लोगों को पता है, 26 रिपब्लिक डे होता है. January 30 क्या होता है? शहीद दिवस होता है. ओके सो ये भी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखे रहना. ओके नेक्स्ट, ये भी देख लेना भाई, तुम लोगों के सामने सब लिखा हुआ है. ऑन विच डेट प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड? ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? January 9, 12, 15 या 16? व्हाट इज द आंसर? यस ओके सो अब इसका आंसर क्या होगा? भारतीय प्रवासी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल आपका 9th of January को मनता है. ओके सी, प्रवासी भारतीय दिवस जिसको कि हम लोग NRI डे भी कहते हैं, ये हर साल मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि उसी दिन महात्मा गांधी जी लौट करके आए थे साउथ अफ्रीका से. ओके सो जो भी NRI की अभी तक कॉन्ट्रीब्यूशन हुई है हमारे देश में उसको मार्क किया जाता है इस दिन के थ्रू. ठीक है, अगला देखो. विच ब्रांड नेम हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड टाइटल इन 2022? ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड टाइटल 2022 में कौन से ब्रांड को दिया गया है? ओप्पो, वीवो, एप्पल, जियो. ओके क्या होगा इसका आंसर? ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा है कि इस बार का जो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है ये किसको दिया गया है. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एप्पल. ठीक है, एप्पल जो है इन्होंने रिटेन किया था टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड 2022 का, जिसकी वैल्यूएशन थी $355.1 बिलियन की एक रिपोर्ट के हिसाब से. एप्पल के बाद में अमेजन, गूगल जो है ये थे आपके टॉप 3 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स में. टिकटॉक जो है ये इमर्ज किया था वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड और इनकी जो वैल्यूएशन थी ये 215% तक बढ़ी थी 2022 के अंदर. ओके सो मोस्ट वैल्यूएबल कौन था? एप्पल था. एप्पल के बाद में आपका अमेजोन, गूगल था. और सबसे तेजी से जो ग्रो किया है ये टिकटॉक है, इनकी वैल्यूएशन 215% तक रही है 2022 में, बढ़ी है. ओके, विच स्टेट हैज बिकम द हाईएस्ट नंबर ऑफ SC एंटरप्रेन्योर्स? ठीक है, कौन से स्टेट में SC एंटरप्रेन्योर्स में के हाईएस्ट मार्क की गई है, सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन SC एंटरप्रेन्योर्स का हुआ है किस स्टेट के अंदर? राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना. वी हैव डन दिस क्वेश्चन ऑल्सो.
रात के 10 बजे में हम लोग अपनी क्लास करते हैं, उसमें मैं आपको द हिंदू के सेशन में भी ये पढ़ाई थी और क्लास में भी पढ़ाई थी, ठीक है। द आंसर विल बी यस, द आंसर ही विल बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने टॉप किया था इंडिया का लिस्ट इन द नंबर ऑफ एमएसएमईज जो कि ओन किया जाता है एंटरप्रेन्योर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट। इसमें ओवरऑल 96,805 एंटरप्राइजेस थे जो कि रजिस्टर किए गए थे एससी के द्वारा, ठीक है। तमिलनाडु में 42,997 एंटरप्राइजेस थे और राजस्थान में 38,517। ओके, सो टॉप वॉज महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु, देन राजस्थान, इस तरीके से रैंकिंग थी। किसकी बात हो रही थी? एससी एंटरप्रेन्योर्स की रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा कहां पर, कौन से स्टेट के अंदर है, ये अपन लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हु इज ऑन द सेकेंड पोजिशन एज मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विसेज ब्रांड्स ग्लोबली, ठीक है। पूरे विश्व में आईटी सर्विस ब्रांड जो है इसमें सेकेंड पोजिशन पर कौन है? TCS, Infosys, HCL और none. What is the answer? हाँ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा Infosys. Now, India's largest IT services company, TCS. ठीक है, देखो इंडिया में तो लार्जेस्ट है लेकिन ओवरऑल ग्लोब में ये सेकेंड पर है, ठीक है। ये सेकेंड लार्जेस्ट फर्म है, Infosys जो है ये आपकी मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विसेज में से इन दोनों का नाम रहा है, ठीक है। आयरलैंड हेडक्वार्टर्ड आईटी फर्म एक्सेंचर, ये देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विसेज ब्रांड। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो टीसीएस इंडिया में तो सबसे बड़ी है लेकिन ग्लोब में ये सेकेंड पर थी, फर्स्ट पर आपकी एक्सेंचर थी, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना चाहिए, पहली कौन सी थी और सेकेंड कौन सी थी। एनीवे, देखो इसके अलावा जो दो इंडियन टेक्नोलॉजी पावर हाउस थे ये किसको पीछे कर दिए थे? IBM। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि IBM बहुत ही टाइम से जो है इन दोनों को पीछे की हुई थी, लेकिन इस बार TCS और Infosys ने IBM को अपने से पीछे कर दिया था, इसलिए क्वेश्चंस यहाँ से बनने के चांसेस हैं। TCS तो जनरली न्यूज में रहता है बहुत कुछ कर करके, अभी आपका Infosys भी आ गया, तो अब दोनों को याद किए रहना, रटे रहना। अगला देखो, एक अभी आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स आई थी, इसमें इंडिया की क्या रैंक थी? 90, 80, 95, 85। व्हाट इज द आंसर? नहीं बताओगे? ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाट, देखो पीछे कुछ बैकग्राउंड साउंड आता होगा बिकॉज कोई स्पीकर पे लगातार बोल रहा है, आई डोंट नो हु, लेकिन कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, वो यहाँ पे दिन भर अभी हो रही है, ठीक है। तो उससे अगर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती होगी तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एनीवे, देखो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था, इसमें इंडिया की क्या रैंक थी? ओके, सो इंडिया की रैंक की हम लोग बात करते हैं तो एक रैंक बढ़ गई है, बेहतर हो गई है, वन प्लेसेस अप हो चुका है, 85 पर आ चुका है 180 कंट्रीज में। जो इंडेक्स है इसमें 180 कंट्रीज की रैंकिंग की गई थी ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 100, जहाँ पे 0 को हाईली करप्ट मानते हैं और 100 को बहुत ही ज्यादा क्लीन मानते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी कंट्रीज वीक स्कोर कर रही थी, तो चाइना का स्कोर था 45, इंडिया का था 40, इंडोनेशिया 38, पाकिस्तान 28, बांग्लादेश 26। टॉप पर कौन सी कंट्रीज थी? डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ये आपकी टॉप पर थी। इंडिया की क्या रैंक थी? इंडिया की रैंक थी आपकी 85। ओके, स्कोर भी याद रखे रहना, मे बी स्कोर आपसे पूछ लें। फिर देखो, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्टेड टू स्टैंड एट व्हाट इन 2022, ठीक है। तो पैंडेमिक एरा की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट है इसको कितने पे प्रोजेक्शन की गई है 2022 में? 277 मिलियन, 217, 227 या 207? नहीं बताओगे? हाँ भाई, इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका आंसर होगा 207 मिलियन। ओके, देखो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट को प्रोजेक्ट किया गया है कि ये 207 मिलियन तक रहेगी 2022 में, जो कि 21 मिलियन ज्यादा है 2019 के कंपैरिजन में, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, जो ग्लोबल वर्किंग आवर्स 2022 में, ये 2% कम रहेगा प्री पैंडेमिक एरा के, यानी कि जो भी ओवरऑल वर्किंग आवर्स थे सभी के मिला करके उससे 2% तक वर्किंग आवर कम रहेगा ग्लोबल लेवल पर अगर हम लोग 2019 से कंपेयर करते हैं। रीजन क्या है? रीजन आपका पैंडेमिक ही है, ठीक है। अगला देखो, द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 वाज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, RBI, वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ? रिकॉर्डेड सेशन नहीं है यार, लाइव है। रिकॉर्डेड होता तब तो ठीक ही रहता, तुम लोगों की स्ट्रेंथ देखकर मुझे रिकॉर्ड करने का ही मन कर रहा है अभी। बहुत डिमांडिंग हो तुम लोग। अब देखो भाई, क्या आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को रिलीज किया गया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? ऑप्शंस आपके सामने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, RBI, वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ। द आंसर विल बी व्हाट? यस,
आंसर यू विल बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। इन्होंने रिलीज करा है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 अपने 7 चैप्टर्स के साथ, जो कि डेडिकेटेड है स्पेस एंटाइटल्ड क्राउडिंग एंड कॉम्पिटिशन इन स्पेस। इट एग्जामिन रिस्क अक्रॉस 5 कैटेगरीज, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल, सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल। सो हियर यू हैव टू रिमेंबर व्हाट यू हैव टू रिमेंबर द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इसको लाने वाला कौन है, कितने चैप्टर्स पे फोकस करता है और कितनी कैटेगरीज में ये रिस्क को एग्जामिन करता है, क्योंकि अभी आजकल एग्जाम में आपसे चीजें बहुत डीप में पूछी जा रही हैं, ठीक है। अगला देख लो, रिसेंटली फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 वॉज रिलीज। दिस रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, बोथ एंड बी और नन, व्हाट इज द आंसर? ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाट, सॉरी पीपल, मुझे एक सेकेंड दो, जस्ट अ सेकेंड। Did you people see my Neelkamal chair? How do you like it? अच्छा, anyway, so एक lesson हम लोग ले सकते हैं political parties से। क्या लेसन हम ले सकते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज पूरे 5 साल कोई काम नहीं करते हैं, फिर जब इलेक्शन आने वाला होता है तो दे आर अप, और फिर वो बिल्कुल ही भयानक तरीके से काम करते हैं, बहुत सारे पेंडिंग काम कराने शुरू कर देते हैं जो कभी नहीं किया था, लोगों के घर जा जाकर उनसे एक एक बात पूछने लगते हैं, उन्हें पैसे कमाने लगते हैं, बहुत कुछ करते हैं, है ना। सो अगर ये लोग पूरे 5 साल काम करते हैं तो लास्ट मोमेंट पे ये सब इन्हें नहीं करना पड़ता। वही हम लोग भी सीख सकते हैं कि अगर हम लोग भी पूरे सालों साल पढ़े तो लास्ट मोमेंट पे हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ओके, तो कीप ऑन प्रिपेयरिंग थ्रू आउट द ईयर, ये हमारे लिए एक सीख है। ये जो बाहर आवाज आ रही है ना, ये उन्हीं लोगों के प्रचार की आ रही है, इजंट इट। चलो है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि फॉरेस्ट सर्वे 2020 रिपोर्ट आपकी आई है, किसने इसको रिलीज किया है? इसको रिलीज किया गया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। देखो, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है और इन्होंने बताया कि 2261 स्क्वायर किलोमीटर टोटल फॉरेस्ट ट्री कवर में एक्सपेंशन हुआ है पिछले 2 साल में। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव जी जो है, ये रिलीज किए थे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि प्रिपेयर किया गया था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। खैर, इंडियन पासपोर्ट बिकम्स 83rd मोस्ट पावरफुल ग्लोबली इन 2022। What was the rank of Indian passport last year? ठीक है, तो अभी ग्लोबल लेवल पे देखिए, हमारा पासपोर्ट 83rd पोजिशन पर था, पिछले साल इनकी क्या रैंकिंग थी? 88, 89, 90 और 85th, what is the answer? Are you from UP? Yes, I am from UP. How do you know that? द आंसर विल बी व्हाट, इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो अभी अगर हम लोग बात करते हैं इंडियन पासपोर्ट की, तो लास्ट ईयर से इनकी पोजीशन अच्छी हो चुकी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल में ये 83rd पोजीशन पर हैं, जो कि 90th पोजीशन थी लास्ट ईयर की रैंकिंग में। हेनली ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट 2022 क्वार्टर वन की आई है, ये पब्लिश करते हैं क्वार्टरली, जैसे कि एक पूरे साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, ठीक है। तो इसमें जो है ये 4 क्वार्टर्स की अलग अलग बताते हैं, उसी में ये बता रहे हैं कि लास्ट टाइम जब हम लोग अपनी पब्लिश किए थे रिपोर्ट, उसमें इंडिया की रैंक बहुत पुअर थी, 90th भी थी, पर अभी बहुत इंप्रूव की है। फर्स्ट पे कौन सी कंट्री थी? जापान और सिंगापुर। भारत की रैंक थी 83rd। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको याद रखे रहना है कि इंडियन पासपोर्ट जो है, इनका वीजा फ्री एक्सेस ऑफ 60 डेस्टिनेशंस में ओवरऑल हो चुका है, ठीक है। यानी कि 60 डेस्टिनेशंस ऐसे हैं जहां पे आप लोगों को जाने के लिए वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। रिसेंटली पद्म अवार्ड 2022 वॉज अनाउंस्ड। Who among the following has not won Padma Vibhushan? इनमें से किसे पद्म विभूषण नहीं मिला था? जनरल बिपिन रावत, प्रभा अत्रे, कल्याण सिंह और नन। नहीं बताओगे? Yes, the answer will be what? देखो, एक्चुअली इसका आंसर ऑल होना चाहिए, है ना, वही चीज हो जाएगी। इसमें जो है इसका आंसर होगा ऑल, नन नहीं होना चाहिए। देखो, बिपिन रावत, जो कि बिपिन रावत, फिर यूपी के पूर्व रह चुके सीएम कल्याण सिंह, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट प्रभा अत्रे और राधेश्याम खेमका ऑफ गीता प्रेस, इन्हें जो है पद्म विभूषण मिला था। रावत जी के अलावा सिंह और खेमका जी को कॉन्फर किया गया था अवार्ड पोस्टमसली, ठीक है। इसमें से केवल प्रभा अत्रे ऐसे हैं जो कि जिन्हें की
पोस्थमसली ना मिल करके जब तक वो हैं तभी ये अवार्ड दिया गया। बाकी ये तीनों लोग आपके ये और ये और प्लस आपके खेमका जी को जो है ये पोस्थमसली यानी कि मरणोपरांत दिया गया है। टोटल 4 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री अवार्ड इस साल दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने में पूरी लिस्ट है, इसे आप लोग देख लीजिएगा एक एक बारी। हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉज कन्फर्ड, पता नहीं क्यों लैंग्वेज ऐसे कहीं गई, कितने चिल्ड्रन को बाल पुरस्कार अवार्ड दिया गया था, 30, 39, 29 और 19, व्हाट इज द आंसर? ओके, सो अब आपसे पूछा जा रहा है बाल पुरस्कार अवार्ड के बारे में कि कितने बच्चों को इस बार का बाल पुरस्कार दिया गया था। देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कॉन्फर्म किया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 चिल्ड्रन को पूरे देश भर से। ये जो चिल्ड्रन है इन्हें डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। पहली बार इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा ताकि ये अवार्ड इन्हें गवर्नमेंट दे सके। इसके साथ में इन्हें 1,00,000 रुपए भी दिए जाएंगे। कैन यू पीपल टेल मी कि कौन सी पर्टिकुलर आईटी है जो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है अवार्ड कॉन्फर्म करने के लिए? किसे मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब मिला था, शैलिन फोर्ड, जैकलीन स्ट्रैप, देवांजलि कामस्त्रा या नन? ओके, सो अब आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में मिसेस वर्ल्ड किसे दिया गया था। देखो, शैलिन फोर्ड को अभी हाल फिलहाल में विनर घोषित किया गया था मिसेस वर्ल्ड 2022 का। इन्हें क्राउन किया गया था बाय आउटगोइंग क्वीन केट शिनेडर फ्रॉम आयरलैंड। ठीक है, जॉर्डन जैकलीन स्टैप और मिसेस यूएई देवांजलि कामस्त्रा वर द रनर अप। शैलिन फोर्ड जो है ये कहां से थी, ये अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रही थी और इस बार इन्हें क्या मिला है, मिसेस वर्ल्ड। ओके, मिस यूनिवर्स किसको मिला था, हरना संधू जी को। एनीवे, दिस इज द 8th टाइम एन अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव वन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड। तो जैसे मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स होता है वैसे मिसेस वर्ल्ड होता है, और 8वीं बार ऐसा हुआ है कि जब एक अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव को ये खिताब दिया गया हुआ। अगला देखो, हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन रिवील्ड विनर्स फॉर 79th एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड। हु हैज वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड, विल स्मिथ, किंग रिचर्ड, एंड्रयू गारफील्ड, कोडी स्मिथ मैकफी या जेन कैम्पलन? द आंसर विल बी, नहीं बताओगे? ओके, सो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस बार जो है किसे बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया था, हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने जो रिवील किया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, है ना? हाँ, प्लास्टिक चेयर है। प्लास्टिक चेयर की बात कहाँ से आ गई, आई डोंट नो। ओके, सो एनीवे, इसका आंसर क्या होगा, जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था विल स्मिथ जी को। ठीक है, इसको याद रखे रहना। सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाकी सारे अवार्ड्स को भी, क्या क्या है, बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा पावर ऑफ डॉग नेटफ्लिक्स विनर। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन अ मोशन पिक्चर ड्रामा निकोल किडमैन बीइंग द रिकार्डोस, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ मोशन पिक्चर ड्रामा विल स्मिथ किंग रिचर्ड विनर, बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी वेस्ट साइड स्टोरी 20th सेंचुरी स्टूडियोज वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर विनर। ओके, तो ये आप लोग याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट देख लो भाई, ये सारे अवार्ड 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 लिखे हुए हैं, इसको तुम लोग देख लेना। ओके, काफी सारे अवार्ड्स हैं एक्चुअली। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर अनाउंसेस दिस ईयर विच एडिशन ऑफ नेशनल वाटर अवार्ड। ठीक है, अभी नेशनल वाटर अवार्ड जो है आया है और ये इसका कौन सा एडिशन है, 2nd, 5th, 4th और 3rd, व्हाट इज द आंसर? चलो, इसका आंसर होगा, आंसर विल बी 3rd। यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने अभी अभी क्या किया, अनाउंस किया है 3rd नेशनल वाटर अवार्ड। इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी यूपी हैज बीन अवार्डेड फर्स्ट प्राइज फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु। द फर्स्ट नेशनल वाटर अवार्ड वॉज लॉन्च बाई जल शक्ति मिनिस्ट्री इन 2018। इंडिया विथ 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ओनली 4% ऑफ वर्ल्ड रिन्यूएबल वाटर एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो आया आपका नेशनल वाटर अवार्ड का, ये इसका 3rd एडिशन है। ओके, और पहली बार आपका आया था, आप लोग देख सकते हो 2018 के अंदर। इस बार बेस्ट स्टेट में कौन है, इस बार बेस्ट स्टेट में आपका उत्तर प्रदेश, इसको बेस्ट अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा कौन है, राजस्थान और तमिलनाडु है। इसमें यह भी बताया गया है कि इंडिया जो है जहाँ पे 18% विश्व की पॉपुलेशन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4% है वर्ल्ड का रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इसको जरूर याद रखे रहना। थैंक यू सो मच अभिनव। देन रिसेंटली विश्व बैंक हैज वन यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सेलेंस अवार्ड 2021। साउथ इंडियन बैंक, एचडीएफसी, यूनियन बैंक और कनारा, व्हाट इज द आंसर? नहीं बताओगे? ओ
अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से बैंक को यूआई पथ ऑटोमेशन एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है. ओके, इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है, देखो, केरल बेस्ड लेंडर साउथ इंडियन बैंक हैज वन यूआई पथ ऑटोमेशन एक्सेलेंस अवार्ड 2021 फॉर बेस्ट ऑटोमेशन अंडर क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी. द अवार्ड वॉज बेस्टोड अपॉन द बैंक फॉर इट्स एक्सेप्शनल यूज ऑफ रोबोटिक प्रोसेस. द यूआई पथ ऑटोमेशन एक्सेलेंस अवार्ड एम टू रिकॉग्नाइज चेंज मेकर्स ऑफ ऑटोमेशन. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, न्यूबॉर्न, वेन एवर आई एम आस्किंग नहीं बताओगे, सो यू आर कंटिन्यूअसली टेलिंग बताएंगे, जरूर बताएंगे. दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बार बार ये पढ़कर. ठीक है, ओके, देख लीजिए. चलो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रह गए हैं बिकॉज हमने मैक्सिमम क्वेश्चन लास्ट टाइम कवर कर लिए थे, बड़े कम क्वेश्चन है. चलो ठीक है, आराम आराम से करते हैं, तुम लोगों की तादाद भी आराम वाली, आराम से क्वेश्चन करते हैं. सो रिसेंटली जेट एयरवेज इंटरिम सीईओ सुधीर गौर स्टेप्स डाउन इन विच प्लेस. In his place, who has been appointed as interim manager of Jet Airways? ठीक है, Jet Airways का interim manager किसको appoint किया गया है? प्रियपाल, सोमा शंकरा, नरेंद्र गोयनका और नन. What is the answer? Yeah. Okay. So the answer will be what? Jet Airways interim CEO Captain Sudhir Gaur has resigned from his position. Gaur was also the vice president of operations at Jet Airways. According to sources, Captain Priyapal Singh has been appointed as interim manager of Jet Airways. The airline would commence domestic operation with 6 narrow-body aircraft in 2022. Jet Airways ka doobna bhi apne mein bahut bada ek halla hua tha, bahut badi cheez hui thi because Jet Airways dooba tha. Ek aisa time tha jab Jet Airways hi Jet Airways tha, matlab ki bahut hi bhokali, agar koi Jet Airways pe chadta tha to uska alag hi ekdam bhav rehta tha ki Jet Airways pe chadha hai. Lekin competition itna stiff hua और इतने बड़े बड़े, इंडिगो को सबसे बड़ा उसका कॉम्पिटिटर माना जाता है, फिर से जेट एयरवेज क्या हुआ? ध्वस्त. ठीक है, एनीवे, सो अगेन हम लोग के पास में बहुत लेसन है अपनी लाइफ के लिए ऐसी चीजों को देखकर. हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन टू हेड ONGC एस CMD. अभी अभी पहली बार कौन सी महिला को ONGC का CMD बनाया गया है? आशीष पांडे, अलका मित्तल, प्राजक्ता कोहली, नन. The answer will be what? अलका मित्तल. अच्छा, अलका नाम से अभी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हुई थी अगर आप लोगों को याद हो तो. इसका आंसर क्या होगा? अलका मित्तल. प्राजक्ता कोहली को कहाँ का अभी एम्बेसडर बनाया गया है, किसी को याद आ रहा है? प्राजक्ता कोहली को कहाँ का एम्बेसडर बनाया गया अभी हाल फिलहाल में? खैर, अलका मित्तल, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है CMD का ONGC के अंदर. इस अपॉइंटमेंट के साथ मित्तल जी पहली ऐसी महिला बनी है जो कि ONGC की CMD बनेंगी. साथ ही साथ में ये इस पोस्ट को 6 महीने तक होल्ड करेंगी या फिर जब तक कोई नया इस पोजीशन पर ना आ जाए. ओके, प्राजक्ता कोहली, UNDP एनवायरमेंट. ओके, वेरी गुड. फिर देखो, सुभाष कुमार जी को एडिशनल चार्ज दिया गया था April 1 से. ठीक है, कंटेंट क्रिएटर एंड एक्ट्रेस प्राजक्ता कोहली, शी हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट UN डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन अंडर हर पार्टनरशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन. The title has been conferred to her following her contribution towards mental health, women's rights and girl child education through various global social campaigns. Ashish Pandey joins Wish Bank as Executive Director, SBI, PNB, Bank of Maharashtra, Bank of Baroda. Okay, so अब आपसे पूछा जा रहा है कि आशीष पांडे ने कौन से बैंक को उनके एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में ज्वाइन किया अभी अभी. द आंसर विल बी व्हाट? हाँ, देखो, श्री आशीष पांडे हैज जॉइंड एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र. प्रायर टू जॉइनिंग बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही वॉज चीफ जनरल मैनेजर एंड चीफ ऑपरेशन ऑफिसर एट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज लोकेटेड एट पुणे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेड ऑफिस कहाँ है, ये हम लोग बहुत गलत कर सकते हैं. Which of the two smartphone manufacturing companies worth 37,000 crore in 2022 under government's PLI scheme? ठीक है, सॉरी, देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, पूरा पूरा गड़बड़ है. मूविंग टू नेक्स्ट. मैम, कंप्यूटर की PDF हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, क्या करूँ मैं? पिछले कंप्यूटर के सर से पूछो यार, मैं कंप्यूटर के बारे में कैसे बता दूँ. चलो इधर देख लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, इसको सही करके मैं आपको लगा करके दे दूंगी. देखो, STPI ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ में और एक्सेल पॉइंट सिस्टम के साथ, जिससे वो स्ट्रेंथन कर सके टेक स्टार्टअप को अपने वहां पर. ऑप्शन देखो, SBI, HDFC, यूनियन बैंक और कनारा. व्हाट इज द आंसर? नहीं बताओगे? सो STPI जो है, ये पार्टनरशिप क्या है किसके साथ में और एक्सेल पॉइंट के साथ, जिससे टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर किया जाए.
उसका आंसर होगा, देखो भाई, AICSTPI नेक्स्ट इनिशिएटिव, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का, इन्होंने दो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए HDFC के साथ और एक्सेल पॉइंट सिस्टम के साथ में, ताकि एक नीशी टेक्नोलॉजी प्लेयर अपने वहां पर आ सके, जिससे फॉस्टर किया जा सके इंटरप्रेन्योरशिप और नर्चर किया जा सके टेक स्टार्टअप्स को। कौन सी पेमेंट बैंक जो है पार्क प्लस के साथ में पैक्ट की है ताकि फास्टैग अपने वहां पर ऑफर कर सके? बोथ BNG, जियो पेमेंट, पेटीएम और एयरटेल। ओके, सो द क्वेश्चन हियर इज व्हाट द क्वेश्चन हियर इज, कौन सी पेमेंट बैंक ने पार्क प्लस के साथ में एक पैक्ट साइन किया जिससे वो ऑफर कर सके फास्टैग बेस्ड स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन? ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन, मतलब जब भी हम लोग सेशन करते हैं 10 बजे वाला, उसमें बहुत बार हुआ है। इसका आंसर होगा एयरटेल पेमेंट। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने अनाउंस किया कि कोलैबोरेट कर रही है पार्क प्लस के साथ, जिससे ये फास्टैग बेस्ड स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन दे सके कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज अक्रॉस द कंट्री। पार्टनरशिप के थ्रू क्या किया जाएगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रीच है, डिजिटल पेमेंट स्टैक है एयरटेल पेमेंट बैंक का, उसको बेहतर किया जाएगा। फास्टैग इंप्लॉय क्या करता है RFID टेक्नोलॉजी को, जिससे टॉल पेमेंट ईजी कर सके। एक बार आपके एग्जाम में RFID से भी क्वेश्चन पूछा गया था, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RFID, क्वेश्चन था फास्टैग किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, क्या कोई मुझे बताएगा कि RFID का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ भाई, नहीं बताओगे? ओके, ये देखना रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। अभी मेरी पेन अपने आप थोड़ी सी चल रही है। चलो अगला देखो, RBL बैंक जो है किसके साथ में एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन कर रहा है जिससे फ्यूल कर सके बैंक्स कस्टमर एक्सपीरियंस? याहू, गूगल, बिंग और नन, व्हाट इज द आंसर? ओके, तो अब आपसे पूछा जा रहा है RBL बैंक किसके साथ में मिलकर के कोलैबोरेट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? यस, गूगल। RBL बैंक गूगल के साथ में मिलकर के एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन में आया है, जिससे कि बैंक की जो कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी है या जो भी वैल्यू प्रोपोजिशन है, जिससे किस तरीके से अपने कस्टमर बेस को बढ़ा सके, इस पे वर्क कर सके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म ABAQUS 2.0 का यूज करके। इस कोलैबोरेशन के थ्रू बेटर कस्टमर डेटा मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, एनेबलिंग इफेक्टिव क्रॉस सेलिंग, इस सब में वर्क किया जाएगा। RBL बैंक की हम बात करें फिलहाल में, तो 4 मिलियन अर्बन रिटेल असेट लाइबिलिटी कस्टमर्स हैं इनके पास में। नेक्स्ट देखो, MOU साइन किया गया है कौन सी गवर्नमेंट और BBD के साथ डेयरी डेवलपमेंट के लिए? झारखंड, ओडिशा, असम या नन, व्हाट इज द आंसर? क्या पूछा जा रहा है कि अभी एक MOU साइन किया गया है किसके, कौन सी राज्य सरकार और NBBD के बीच में, ताकि डेयरी डेवलपमेंट की जा सके इस स्टेट के अंदर? द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी असम। ओके, सो द असम गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विथ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड टू सेट अप अ जॉइंट वेंचर कंपनी टू एग्जीक्यूट 2,000 करोड़ प्रोजेक्ट टू प्रोसेस 10 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये लोग कोशिश करेंगे कि 10 लाख लीटर मिल्क का पर डे प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, ध्यान रखे रहेगा, एज पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मोर देन 15,000 हाई मिल्क यील्डिंग गिर काउज विल बी इंडक्टेड इन टू असम। ओके, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी? अगला देखो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली ट्राई आउट किया है विद फिनटेक अलायंस टू सपोर्ट SHGs? ठीक है, SHG को सपोर्ट करने के लिए कौन एक फिनटेक अलायंस के साथ में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है? SEBI, RBI, NABARD, IRDAI। क्वेश्चन की मीनिंग, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करूंगी जब भी टाइम मिलता है। NABARD जो है ये फोर्ज किया है एक पार्टनरशिप फिनटेक फर्म अर्थ इम्पैक्ट डिजिटल लोन, ठीक है, अर्थ के साथ, ये पूछा जा सकता है अर्थ के साथ में, ताकि प्रोवाइड कर सके एंड टू एंड फिनटेक सॉल्यूशन। फिनटेक समझते हो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये प्रोवाइड किया जा सके जैसे स्केलिंग, माइक्रो फाइनेंशियल सर्विसेज, फॉरवर्ड लिंकेज, सपोर्ट किया जा सके SHGs को। NABARD स्टैब्लिश हुआ था कब, 12th of July 1982 को, सेंट्रल रेगुलेटिंग बॉडी फॉर एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग। देखो, ये एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग के लिए सेंट्रल रेगुलेटिंग बॉडी है, लेकिन ये नहीं होगा इसका मतलब कि ये RRBs को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, ये बैंकिंग सेक्टर में किसी को रेगुलेट नहीं करता है, बैंकिंग सेक्टर में ये सिर्फ और सिर्फ अपनी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है, ऐसा NABARD ने खुद अपनी साइट पर लिख रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्वायरस वेल्थ जॉइंटली लॉन्च USD फिक्स्ड मैच्योरिटी फंड? ठीक है, तो
देखो भाई आपको इसमें से बताना है, क्वेश्चन ये दूसरी फाइल है, मतलब फाइल सही है, इसमें कुछ क्वेश्चंस के आपके जो वर्डिंग्स हैं वो थोड़े से गलत है बच्चों, उसको मैं सही कर दूंगी। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, सही था मैंने अभी जब चेक किया था सही था, एक दो क्वेश्चन में भी मुझसे छूटे रह गए हो, उससे आई विल बी करेक्टिंग इट। देखो आई एम कोजी कोड जो है विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन बैंक लॉन्च्ड अ स्टार्टअप फंडिंग स्कीम बाय प्रोवाइडिंग लोन्स ऑफ विच अमाउंट, ठीक है, आई एम कोजी कोड इंडियन बैंक के साथ में मिलकर के स्टार्टअप फंडिंग स्कीम शुरू कर रहा है, किस अमाउंट तक की लोन प्रोवाइड करने को कहा है, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, व्हाट इज द आंसर? नहीं पता। देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड ने लॉन्च किया है कि स्टार्टअप फंडिंग स्कीम जिसका नाम है आई इंडिया स्प्रिंग बोर्ड, ये काफी पुराना है इनका, अभी का नहीं। इसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं बेसिकली, देखो टू इनकरेज न्यू स्टार्टअप्स इन पार्टनरशिप विद इंडियन बैंक, ओके। अब इसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं, स्टार्टअप्स को लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना बिजनेस रन कर सके। ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है एक अग्रीमेंट IIM के बिजनेस इंक्यूबेटर लेबोरेटरी फॉर इनोवेशन वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप और इंडियन बैंक का। ये स्टार्टअप्स को जो है लोन प्रोवाइड करती है 50 करोड़ तक का, ताकि जो भी स्टार्टअप्स हैं वो जिस भी फील्ड में चाहते हैं उसमें अपने बिजनेस को पूरा रन कर सके। विथ विच प्लेटफॉर्म पार्टनरशिप विथ फिनिश यूनिवर्सिटी टू एक्सेलरेट 6G रिसर्च, ठीक है, कौन सी प्लेटफॉर्म ने पार्टनरशिप की है फिनिश यूनिवर्सिटी के साथ में ताकि 6G रिसर्च को एक्सेलरेट कर सके, जियो प्लेटफॉर्म, पेटीएम, नोकिया या नन? ओके, इसका आंसर क्या होगा? देखो जियो प्लेटफॉर्म अभी अभी पार्टनरशिप की है फिनिश यूनिवर्सिटी के साथ जिससे ये 6G रिसर्च पे वर्क कर सके, ओके। इन्होंने एक पैक्ट साइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ आउलो फिनलैंड के साथ में। अभी जो आपकी JPL है जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड और यूनिवर्सिटी ऑफ आउलो, ये कोलैबोरेट करेंगे रिसर्च डेवलपमेंट में, एरियल स्पेस कम्युनिकेशन में, होलोग्राफिक बीम फॉर्मिंग में, 3D कनेक्टेड इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी फ्रोटोटोनिक्स में, ओके। अभी अभी दो फ्लैगशिप स्कीम जो है ये क्रॉस की थी 6.99 लाख करोड़। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है इसके रिगार्डिंग? द नेम ऑफ द टू स्कीम्स आर नेशनल पेंशन स्कीम एंड अटल पेंशन योजना। द टोटल असेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ बोथ द स्कीम टिल मार्च 2021 वाज ₹578,025 करोड़। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इसमें सही है, बोथ वन एंड टू, नन, ओनली वन, ओनली टू, एनीवन? देखो अभी आपकी NPO से APY रिलेटेड ही आई थी न्यूज कि इनके जो टोटल असेट्स अंडर मैनेजमेंट है जनवरी 1 2022 के हिसाब से ये 699172 करोड़ था। जो असेट अंडर मैनेजमेंट है इन दोनों के, ठीक है, ये कितना था ओवरऑल, ये बताया गया था 578,025 करोड़ एज ऑन मार्च 31, 2021। ओके, इसका आंसर होगा बोथ, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान 200-day रीडिंग कैंपेन? नन, स्वच्छता, स्टार्टअप, बोथ, BND और पढ़िए भारत? पता नहीं, मुझे तो अभी की तादाद देखकर ऐसा लग रहा है कि अब मैं बोल्ट लेना छोड़ दूंगी फॉर एवर, बहुत ही डिप्रेसिंग तादाद है तुम लोगों की। चलो खैर, बहुत क्वेश्चंस नहीं आ रहे। हाँ, ये बेसिकली इससे यही फायदा होता है कि आप लोग ये समझ पाओ कि आपकी कितनी प्रिपरेशन रही है अभी तक की बोल्ट की लेकर के। अगर आप लोग ज्यादा पढ़े होगे तो इजिली आंसर कर सकोगे, नहीं पढ़े होगे तो फिर नहीं कर पाओगे, तो ये इस वजह से कहीं ना कहीं ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर मैं सीधा सीधा PDF आपके साथ में डिस्कस करूंगी तो उसमें नया नहीं होगा कुछ। MCQs में आप लोग लेवल चेक कर सकते हो अपना। देखो आपसे क्या पूछा गया था, कैंपेन का क्या नाम है जो लॉन्च किया गया था एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा 100-day रीडिंग कैंपेन में? इसका आंसर क्या होगा? पढ़े भारत। ओके, इसका एम है कि पार्टिसिपेशन हो सके सभी स्टेक होल्डर्स का नेशनल और स्टेट लेवल पे, जैसे कि जो चिल्ड्रन, टीचर्स, पेरेंट, कम्युनिटी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये सब आ सके, ठीक है। चिल्ड्रन स्टडिंग इन बाल वाटिका टू ग्रेड 8 विल बी पार्ट ऑफ दिस कैंपेन। ओके, नेक्स्ट देख लो, PM मोदी ने ट्रांसफर किया है कौन सा इंस्टॉलमेंट PM किसान स्कीम का बैंक अकाउंट ऑफ फार्मर्स? 9, 10, 11, 15, ठीक है। तो ये PM किसान ये कब आया था आपका? 2019 में आया था, और इसके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी 6,000 हर साल किसानों को देंगे 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में 2,000 की। आपसे पूछा गया है कि अभी अभी ये कौन से इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर किए हैं फार्मर्स के अकाउंट में? यस, देखो अभी अभी इन्होंने जो है लगभग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10th इंस्टॉलमेंट फाइनेंशियल बेनिफिट अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो कि 20,000 करोड़ रुपए का होगा, ये ट्रांसफर किया जाएगा 10 करोड़ फार्मर फैमिलीज को PM किसान के अंदर।
फाइनेंशियल बेनिफिट होता है 6,000 रुपीज़ पर ईयर का, जो कि एलिजिबल फैमिली जो भी फार्मर्स की होती है उन्हें दिया जाता है। कब इसको लॉन्च किया गया था? 2019 में। NPCI इंटरनेशनल पार्टनर्ड विथ होम टू एनेबल रियल टाइम इंटरनेशनल पेमेंट, टेरा पे, पेमेंट सर्विसेज ऑथोराइज डॉट नेट या एटोस। व्हाट इज द आंसर? हाँ, अचानक सेशन स्टार्ट हुआ, ये तो एक रीजन है, बट इट वॉज ऑलरेडी देयर 7 PM से। मुझे ये एक और भी रीजन लगता है कि PDF सबके पास थी इसलिए सब बड़े निश्चिंत हो गए हैं। हाँ, देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, NPCI इंटरनेशनल ने पार्टनरशिप किया किसके साथ जिससे वो रियल टाइम इंटरनेशनल पेमेंट्स अपने वहां एनेबल कर सके। इसका आंसर क्या है बच्चों? इस आंसर विल बी टेरा पे, जो कि नीदरलैंड बेस्ड ग्लोबल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये दोनों ने कहा है कि ये एक दूसरे के साथ में मिल करके बेसिकली रियल टाइम इंटरनेशनल पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। दिसंबर 2021 में NIPL ने टाई अप किया था वेस्टर्न यूनियन के साथ में जिससे रियल टाइम बैंक अकाउंट पे आउट किया जा सके। NIF इंक्यूबेशन काउंसिल ने टाई अप किया है किसके साथ जिससे वो ग्रास रूट इनोवेशन बूस्ट कर सके, Amazon इंडिया, Flipkart, नायका या नन? नहीं बताओगे? ओके, सो देखो आपसे क्या पूछा गया था NIF के बारे में, है ना, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, इंक्यूबेशन, एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल और Amazon ने मिलकर के एक MOU साइन किया है ताकि ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट कर सके प्रोडक्ट को ग्रास रूट इनोवेशन में। ठीक है, जो भी ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोडक्ट का, उसका ग्रास रूट इनोवेशन पे वर्क किया जा सके, आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट्स आ सके। इस MOU से क्या किया जाएगा, इनोवेशन रूरल पार्ट ऑफ इंडिया ये अवेल किया जाएगा यूनिवर्सली। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर, मतलब कह सकते हो आप लोग, जो भी ग्रास रूट इनोवेशन है भारत के अंदर उसको ज्यादा बूस्ट करने के ऊपर इनका मेन फोकस होगा। कौन सी कंट्री इंडिया के साथ में एक MOU साइन की है फॉर कोऑपरेशन इन हेल्थ रिसर्च? UK, USA, फ्रांस, इटली। ओके, सो देखो अभी अभी फ्रांस के साथ में एक MOU साइन किया गया है। ओके, और ये लोग किस पे वर्क करने को कहे? हेल्थ रिसर्च के ऊपर। ठीक है, तो CSIR और इंस्टीट्यूट पाश्चर जॉइंटली रिसर्च करेंगे, फोकस करेंगे जो भी इमर्जिंग और री इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं और इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं उनके ऊपर ये लोग फोकस करने को कहें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने रिसेंटली लॉन्च किया है फिनटेक प्लेटफॉर्म SMBs के लिए। इन्होंने पार्टनरशिप किया है किसके साथ में? पेपाल, इंडी पैसा, पेटीएम या नन? किसकी बात हो रही है? हिटाची पेमेंट। इन्होंने किसके साथ में एक पैक्ट साइन किया है इसके लिए? तो इंडी पैसा और हिताशी पेमेंट सर्विसेज ने मिल करके अभी एक नया तरीके का पार्टनरशिप किया है जिससे ये लोग फिनटेक प्लेटफॉर्म लाएंगे SMBs के लिए। ओके, जो ऑब्जेक्टिव होगा वो यही होगा कि हाई क्वालिटी डिजिटल प्लेटफॉर्म फिनटेक सर्विसेज के लिए आ सके अफोर्डेबल प्राइसेस पर इंडियन MSME मार्केट के अंदर। ओके, चलो ये हमारा आज का सेशन था। देखो पहले हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा था वो अप्रोक्स 1 hour 45 minutes का सेशन हमने कर रखा है बोल्ड का, जो कि शुरू के जितने क्वेश्चंस थे वो कवर थे। बाकी अभी हमने कर लिया, PDF ऑलरेडी मैंने आपको इस ग्रुप में दे रखी है, वहाँ पे आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हो अगर नहीं किया है तो। अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हो ऑलिफ बोर्ड के साथ में तो आप लोग इस कोड का यूज़ कर सकते हो। कोई भी मॉक टेस्ट हो गया या कोई भी आप लोग कोर्स परचेज कर लो, कहीं भी आप लोग इस कोड का यूज़ करोगे तो आपको एडिशनल 5% ऑफ मिलेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आप अवेल करना चाहते हो सो यूज़ कोड सुष्मिता। विल मीट यू पीपल अगेन।